अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल जहानारा फैशन टिप। सो गाइस, आज मैं आपको एक टेबल क्लॉथ का डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने चौक मिट्टी से डिज़ाइन बनाया है, उसी को मैं दोबारा से आपको बना के दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से मैंने चौक मिट्टी से छोटे छोटे से पत्ते और डालियाँ बनाई हैं। इस डिज़ाइन को मैं बनाऊँगी, साटन का फ्लावर इसमें लगाऊँगी और ग्रीन कलर के लत्ती के धागे से बनाऊँगी। तो देखिए गाइस, ये जो मेरे हैं इस पर मैं फ्लावर लगाऊंगी और बाकी सारे मैं ग्रीन से बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते बनाना। इसको बनाने के लिए लत्ती के धागे का यूज़ करूंगी। देखिए, लाइन बनाने के लिए आज हम दूसरे मेथड का यूज़ करेंगे। इसके लिए देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा टाका लेना है। देखिए, इस तरीके से हम छोटा सा एक टाका लेंगे और ऊपर की तरफ इस तरीके से टाका निकालेंगे, जैसे हम सिलाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही। देखिए, और फिर जो हमारा पहले टाका था उसी टाके के ऊपर से दूसरा टाका लेंगे। देखिए, इस तरीके से फिर आगे की तरफ लेंगे। हम पीछे से आगे की तरफ आएंगे इसको बनाने के लिए, इस टाके को बनाने के लिए पीछे से आगे की तरफ हमें आना है। देखिए, इस तरीके से हम इस टाके को कंप्लीट करेंगे। ये टाका देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इस टाके से आप किसी भी लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी तरीके के कोई भी आप फ्लावर बनाते हैं, उसकी लाइन को कंप्लीट करने के लिए इस टाके का आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने लाइन कंप्लीट कर लिया। देखिए गाइस, एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि पीछे से भी हमें दिखाइएगा। तो देखिए, पीछे इस तरीके से आएगा डिज़ाइन। गाइस देखिए, लीफ बनाने के लिए मैंने पेंसिल से एक बार दोबारा से अपने लाइन को जो मैंने बनाया था उसको गाढ़ा किया और बीच में एक हमें लाइन बनाना है, जो कि हमेशा होता है लीफ में, एक बीच में लाइन होती है, उसी लाइन को बनाना है। और देखिए, इस तरीके से बिल्कुल कोने पे मुझे सुई को निकालना है कपड़े से। देखिए गाइस, अब बीच से हमें लेना है सुई को और जो हमने पहले धागा निकाला था उसके एक साइड पे हमें सुई को लेके जाना है। इसी तरीके से हमें बीच से लेना है और एक बार एक साइड पे हमें सुई को लेके जाना है और एक बार दूसरी साइड को हमें सुई को लेके जाना है। तो देखिए, इसी तरीके से पहले मैंने एक साइड लिया, अब मैं दूसरी साइड ले रही हूँ। इसी तरीके से हमारा जो लीफ है वो कम्प्लीट होता जाएगा। ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड खूबसूरत लगता है। आप किसी भी डिज़ाइन में इन डिज़ाइनों को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, मेरी आधी लीफ, थोड़ी सी मेरी लीफ कंप्लीट हो गई। मैं आपको दिखाना चाहती थी कि एक साइड इसमें कम जगह है और एक साइड ज़्यादा है। तो जिस साइड ज़्यादा है हम उस साइड दो बार टाका ले लेंगे। देखिए, मैंने दो बार टाका ले लिया। तो इस तरीके से आप दो बार भी टाका ले सकते हैं जिस साइड ज़्यादा हो। बस इस लीफ को बनाने में इसी चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी ये लीफ बहुत ही खूबसूरत बनेगा। आप जब इसे बनाएंगे तो आपको खुद ही बहुत अच्छा फील होगा इसे बनाकर। इस तरीके से मुझे लीफ को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए, मैं लीफ कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। मैं दोनों लीफ को कंप्लीट कर लेती हूँ एक ही साथ। अभी मैं आपको फ्लावर लगा के दिखाती हूँ। देखिए, मैंने कहा था आपको कि मैं साटन के फ्लावर बना के दिखाऊंगी। अगर आप इस फ्लावर को बनाना चाहते हैं तो इसकी वीडियो के लिए आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं ज़रूर इसकी वीडियो अपलोड करूँगी कि ये जो साटन के फ्लावर होते हैं कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, मैंने साटन के कपड़े से ये फ्लावर बनाया है और अब मैं सबसे पहले सुई धागे से इसको अच्छे से कपड़े पे लगा लूँगी। अब देखिए, मैं वाइट कलर की लत्ती का धागा लूँगी, ये डोली का है। देखिए, मैंने इसको सुई में डाल लिया है। अब मैं फ्लावर के बीच में गार्ड डिज़ाइन बनाऊँगी जिससे कि मेरा फ्लावर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा। देखिए, इस तरीके से मैं तीन राउंड लेकर और गार्ड डिज़ाइन बनाऊंगी। तीन तीन राउंड लेना है मुझे। इस तरीके से मुझे गार्ड के डिज़ाइन बनाते जाना है। देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव एंड खूबसूरत दिखेगा गाइस। आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आप इस फ्लावर की वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पर। और आप भी इस तरीके के फ्लावर बनाकर आप कहीं भी लगा सकते हैं, किसी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कपड़े में यूज़ कर सकते हैं। इससे चादर भी आप बना सकते हैं, पिलो कवर भी बना सकते हैं एंड कुशन कवर भी। देखिए, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है।
मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक कली लगाऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी कली होने वाली है। देखिए गाइस, इस तरीके से मैं एक कली लगा रही हूँ। इसको भी पहले मैं सुई धागे से अच्छे से टाक लूँगी। देखिए इस तरीके से हमें सुई धागे से इसको टाकना है, अच्छे से हमें टाकना है ताकि ये बाद में निकले ना, धुलने के बाद भी। एंड गाइस, ये मैं टेबल क्लॉथ बना रही हूँ, इसे दस्तखान की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप। देखिए, और अब मैं ग्रीन कलर का लत्ती का धागा लूँगी। अब इस धागे से, लत्ती के धागे से मैं कली के ऊपर एक डिज़ाइन बनाऊंगी। तो देखिए किस तरीके से मैं ये डिज़ाइन बनाती हूँ। जस्ट हमें लंबे लंबे टाके लेते जाने हैं, इससे हमारा जो कपड़े का फैब्रिक जो निकल रहा है वो भी नहीं निकलेगा, वो भी सेफ हो जाएगा और देखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया और ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा जब हम इसे अपने टेबल पे या दस्तखान की तरह यूज़ करेंगे। जब हम इसे बिछाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। देखिए, अब मैं इस आपको दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे मैंने एक और डिज़ाइन बनाया, एक और कली बनाया है। देखिए, इसके लिए थोड़ा दूर पे हमें सुई को लेना है, वाइट कलर के धागे का यूज़ किया है मैंने। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें एक पेंसिल या पेन की ज़रूरत होगी। देखिए, मेरे पास ये छोटी सी एक पेंसिल है, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। आप सोचेंगे गाइस कि इतनी छोटी सी पेंसिल क्यों यूज़ कर रही हूँ, ताकि इसको निकालने में आसानी होगा इस, बस इसलिए। देखिए, अब हमें पेंसिल के दोनों तरफ सुई को घुमाना है। देखें, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनने वाला है ये। आप इस डिज़ाइन को सिर्फ टेबल क्लॉथ में ही नहीं, चादर में भी यूज़ कर सकते हैं, पिलो कवर में भी यूज़ कर सकते हैं। चादर, पिलो कवर, कुशन कवर, कुछ भी बना सकते हैं गाइस। एंड गाइस, आपको मेरे चैनल पे इस तरीके के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगी, चादर का डिज़ाइन, कुशन का डिज़ाइन, तो ज़रूर मेरे चैनल पर विज़िट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, इस तरीके से हमें पेंसिल के आसपास धागे को इस तरीके से रैप कर लेना है। अब मैं पेंसिल को निकाल लेती हूँ, अब फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिज़ाइन कैसे बनेगा। देखिए, सुई को मैंने यहाँ निकाल लिया और निकालने के बाद मैं राउंड में सुई को डालूँगी और इसको पीछे की तरफ खींचूँगी। देखिए इस तरीके से, पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं खींचना, पीछे की तरफ खींच कर और मैं इसे नीचे, सुई को नीचे निकाल लूँगी। देखिए कितना खूबसूरत शेप बन गया, दिल, एक दिल का शेप बन जाएगा। देखिए, ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और खूबसूरत लगे। देखिए, मेरा बन के तैयार है। इसी तरीके से मैंने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया, एक साइड के डिज़ाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया। देखिए गाइस, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड गाइस, पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखिए, और देखिए गाइस, ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। ओके गाइस, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।